मध्य प्रदेश शिक्षक संघ विकासखंड परसवाड़ा ने अपनी मांगों के लिए सौंपा ज्ञापन। आज दिनांक 7 मार्च 2022 को मध्य प्रदेश शिक्षक संघ ब्लॉक व तहसील इकाई परसवाड़ा द्वारा शिक्षकों की निम्न समस्याओं के संबंध में शासन को तहसीलदार महोदय परसवाड़ा के माध्यम से ज्ञापन दिया गया। मांगे इस प्रकार है। 1.5 से 38 वर्षों तक एक ही पद पर सेवारत शिक्षकों को योग्यता तथा प्राप्त वेतनमान के आधार पर पदोन्नति दी जाए। 2005 से लागू राष्ट्रीय पेंशन योजना को बंद कर पुरानी पेंशन लागू की जाए। केंद्रीय कर्मचारियों की तरह मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारियों को गृह भाड़ा भत्ता प्रदान किया जाए। उपरोक्त मांगे पूरी करने का अनुरोध किया गया एवं मांगे पूरी न होने पर आंदोलन किया जाएगा। इस क्रम में दिनांक 11 मार्च 2022 को जिला स्तर पर ज्ञापन दिया गया। इस दौरान सीआर चौधरी, ब्लॉक अध्यक्ष जीएल सिंह धुपे, ब्लॉक सचिव डीडी भालेकर, ब्लॉक कोषाध्यक्ष एनके डोंगरवार, ब्लॉक सचिव एमआर नकपुरे, जिला संगठन मंत्री डीडी रामटेके, जिला सचिव टीएल पालेवार, संगठन मंत्री एसएल नागोसे, जिला सह सचिव एके चौरागड़े, तह अध्यक्ष कैलाश नंदवार, तह सचिव एके डोंगरे, तह कोषाध्यक्ष सीके भाटिया, जिला सदस्य जेसी हरिनखेड़े, यूएल ठाकरे, हिम्मत लिल्हारे, पुष्पा कोकोटे, राजेश्वरी रांगड़ाले, देवेंद्र ढोडरे, सी के कोहरे, के एल मेरावी, महेश लिल्हारे आदि शिक्षक गण उपस्थित रहे। यानी पुरानी जो पेंशन दी जाती थी उसी प्रकार यानी वो पेंशन को बहाल कर उनको मतलब पेंशन दिया जाए, ये मतलब हमारी प्रमुख मांगे हैं। तीसरी मांग है कि अब वो है 11% जो दिए है, शासन ने अभी घोषणा की है, आदेश नहीं आए हैं, चूंकि ये केंद्र ने बहुत पहले घोषणा कर दी थी 11% की और अभी 3% की घोषणा मार्च में करने वाली है, तो ये अब ये अप्रैल से दे रही है उसका, जबकि ये पहले से देना चाहिए, तो उसका मतलब जो है पहले से घोषणा होना चाहिए। जिस दिनांक से हमारा ड्यू डेट से जो है 11% और ये आने वाले इसके लिए 3% हमको मिलना चाहिए, और जो गृह भाड़ा भत्ता है ये पुराने दर पे ही मिल रहा है, अनुसूचित भत्ता भी पुराने दर पर मिल रहा है, तो हमारी ये मांग है। परसवाड़ा से आनंद भारत के संवाददाता वेदांत पिसेन की रिपोर्ट।